बार फिर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इसराइल की सेना ने हिजबुल्ला के ऑपरेशन चीफ इब्राहिम अकील को भी मार गिराने का दावा किया है। इब्राहिम अकील ही हिजबुल्ला का वो कमांडर है जो युद्ध की सारी रणनीति तैयार करता था और उसका मारा जाना हिजबुल्ला को बड़ा झटका माना जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत पर एक बार फिर से बम बरसाए गए हैं। इसराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं लेबनान की राजधानी के ऊपर और हिजबुल्ला को ये बड़ा झटका इसलिए क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि इब्राहिम अकील को मार गिराया गया है। इब्राहिम अकील ही हिजबुल्ला का वो कमांडर है जो युद्ध की सारी रणनीति तैयार किया करता था। I can now confirm that Ibrahim Akil was eliminated together with other senior terrorists in Hezbollah's Radwan forces. Ibrahim Akil had the blood of many innocent people on his hands. और उधर इसराइल के हमले के बाद लेबनान में जबरदस्त तबाही की खबर है। IDF ने कई इमारतों पर बम बरसाए जिसकी वजह से वहां जबरदस्त आग लग गई और कई इमारतें जमींदोज हो गई, जबकि इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई। सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वहां के अस्पतालों में घायल लोगों के लिए जगह कम पड़ गई है। एक तरफ राहत और बचाव के काम में जुटे लोग मलबे में दबे लोगों को रेस्क्यू करते दिखे तो दूसरी तरफ अस्पतालों में भी अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। भयंकर तबाही वहां मची है। IDF के हमले में लेबनान में जबरदस्त तबाही की जानकारी मिल रही है। कई इमारतें तबाह हो गई हैं, कई में आग लगी हुई है। इतने ज्यादा लोग घायल हुए हैं कि अस्पताल के अंदर अफरा तफरी मची है। मलबे में कई लोग दबे हैं जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर हिजबुल्ला के ऑपरेशन चीफ इब्राहिम की मौत के बाद इस युद्ध के और भड़कने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि इसराइल ने भी इस तरह की तैयारियों का दावा किया है और दो दिन पहले हिजबुल्ला के 150 रॉकेट दागने से पहले ही उन्हें तबाह भी कर दिया था। इस दौरान कई रॉकेट तो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही बेकार कर दिए, जबकि कई रॉकेट लॉन्च करने से पहले ही उड़ा दिए गए। तो इसराइल ने भी अपनी तैयारी पूरी की हुई है। ऑपरेशन चीफ इब्राहिम की मौत से हिजबुल्ला इस वक्त भड़का हुआ है और ये जंग और ज्यादा भीषण हो सकती है, लेकिन इसराइल की सेना भी पलटवार की तैयारियों में जुटी हुई है। मेजर धमाके के बाद बौखलाया लेबनान। बदले के लिए अभी प्लान ही बना रहा है कि 24 घंटे में इसराइल ने लेबनान पर दूसरा अटैक कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। इसमें हिजबुल्ला की टॉप मिलिट्री यूनिट जिहाद काउंसिल का सदस्य इब्राहिम अकील भी शामिल है। लेबनान की मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इसराइल ने हमला F-35 फाइटर जेट्स के जरिए किया। हमले में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां हिजबुल्ला के लड़ाके मौजूद थे। बदले की आग में बारूद उगल रहे हिजबुल्ला ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसराइल के खिलाफ लेबनान के हिजबुल्ला ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला ने इसराइल को शत विशत करने का एक प्लान बनाया है। प्लान की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी हिजबुल्ला के इसराइल पर ताजा हमले की रिपोर्ट। नसरल्ला ने तैयार किया इसराइल पर अटैक का प्लान नंबर 36। हिजबुल्ला कमांडो को स्पेशल ऑपरेशन का ऑर्डर। 50,000 लड़ाकों को इसराइल बॉर्डर पर जाने का कटा परवाना। नसरल्ला ने बेरूत के बीच चौराहे पर खाई इसराइल को नेस्तो नाबूद करने की कसम। लेबनान में धमाकों की गूंज से हिजबुल्ला हिल गया है। ऐसा हमला होगा दुश्मन दिखेगा भी नहीं और पूरे लेबनान में खौफ तांडव करेगा, हिजबुल्ला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अब खून से देश सन रहा है तो हलचल मच गई है। हमास के सपोर्ट में रॉकेट बरसाते बरसाते लेबनान खुद ही युद्ध मोर्चे पर खड़ा है और साथ देने के लिए जो आने वाला है वो खुद ही लहूलुहान है, यानी ईरान। ईरान हिजबुल्ला के लिए क्या कर सकता है इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लेबनान की सीमा पर मारे गए इसराइल के दो सैनिक। हिजबुल्ला ने कर दिया इसराइल के खिलाफ एयर स्ट्राइक। हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ फायर किया 100 रॉकेट।
हिजबुल्ला जख्मी हुए मारे गए अपने लड़ाकों की मौत के बाद अब क्या करने वाला है, ये सवाल इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया इस आशंका में जी रही है कि क्या इसराइल लेबनान का युद्ध पक्का है। घोषित युद्ध के बहुत पहले हिजबुल्ला और इसराइल के बीच मिसाइल और रॉकेटों का हमला कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन इसराइल वाले साइबर अटैक के बाद लाउड एंड क्लियर हो चुका है कि नेतन्याहू के प्लान में जो 3H यानी हुथी, हमास और हिजबुल्ला हैं, उनमें से हमास के बाद हिजबुल्ला का नंबर आ गया है। हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला ने कहा कि लेबनान और सीरिया में हिजबुल्ला सदस्यों के खिलाफ पेजर और वॉकी टॉकी से किए गए हमले रेड लाइन को पार कर गए हैं। हिजबुल्ला जवाबी कार्रवाई करेगा और फिलिस्तीनियों के समर्थन में इसराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। हिजबुल्ला दक्षिणी लेबनान में 1000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स को दागने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन ठीक उससे पहले इसराइल का घातक रिएक्शन आया। इसराइली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया। सवाल वही कि नसरल्ला कैसे लेगा इसराइल से बदला, क्योंकि इसराइल कोई दाल भात का कौर नहीं है कि उठाया और गपक लिया। हिजबुल्ला जैसे संगठनों से लड़ने के लिए इसराइल ने वर्षों से संसाधन जुटा रखे हैं, हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है, लिहाजा ये समझना बहुत जरूरी है कि इसराइल लेबनान के बीच का शक्ति संतुलन क्या है। हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला ने धमकी दी है कि ना मैं समय बताऊंगा, ना तरीका, ना ही जगह। इसराइल को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन हमलों से हिजबुल्ला के लड़ाके डरने वाले नहीं है, हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे। इसके बाद इसराइल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया और लेबनान की धरती पर आग बरसा दी। इसराइल और लेबनान के बीच 130 किलोमीटर लंबी सीमा है, इसराइल का उत्तरी इलाका और लेबनान का दक्षिणी इलाका। इस सीमा को ब्लू लाइन कहते हैं। ग्लोबल फायर पावर में शामिल 145 देशों की सूची में लेबनान किसी भी तरह से इसराइल के टक्कर में नहीं है। 145 देशों में इसराइल की रैंकिंग 18वीं है, जबकि लेबनान की 111वीं। कहीं कोई समानता नहीं है। हिजबुल्ला का तो अपने देश लेबनान पर ही पूरा आधिपत्य नहीं है, लिहाजा लड़ाई छिड़ी तो हिजबुल्ला के हिस्से में क्या आएगा ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि हिजबुल्ला के पास जो है वो ईरान का दिया है और ईरान का हाल तो इसराइल ने ये करके छोड़ा है कि उसके घर में घुसकर हमास सिर्फ इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया। ईरान देखता रह गया। ईरान के राष्ट्रपति बता रहे हैं कि इसराइल हमले में क्यों हो रहा है कामयाब, सुनिए। میلیون سه میلیون اسرائیلی مسلمان ها رو نابود میکنه، زن و بچه و پیر و جوان و بیمارستان و مسجد و همه جا رو بمباران میکنه. نشستیم نگاه میکنیم و او جرأت میکنه این کار میکنه برای اینکه ما با هم نیستیم. ایران هو، یمن کے حوتی ہو، ترکی ہو، سیریا ہو، مصر ہو یا جارڈن ہو، हिजबुल्लाह को इसराइल की मार से बचाने की ताकत इस वक्त किसी में नहीं है, क्योंकि इसराइल ने मोरल ग्राउंड बना रखा है कि हिजबुल्लाह इसराइल के अस्तित्व के लिए चुनौती है और इस ग्राउंड पर अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। लेबनान इसराइल में युद्ध छिड़ता है, यानी इसराइल टैंक लेकर लेबनान में घुसता है, तो ये पहली बार नहीं होगा। 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल का आमना सामना हो चुका है। दो हजार चार में हुए सैनिकों की अदला बदली में अपने दो साथियों को नहीं छोड़ने के बाद 2006 में हिजबुल्ला ने दो इजरायली सैनिकों को उठा लिया और उससे बदले में अपने तीन साथियों को रिहा करने की मांग की। इस मांग को इसराइल ने अपनी बेइज्जती माना। इसके बाद इसराइल ने लेबनान में हवाई हमले किए और लेबनान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसके बाद हिजबुल्ला ने इजरायली सैनिकों इलाकों को अपनी मिसाइलों से निशाना बनाया, जिन्हें इजरायली डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट करने में असमर्थ था। इस युद्ध के दौरान इसराइल अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी कोई सफलता हासिल नहीं कर सका। दुनिया की सबसे मजबूत टैंक कही जाने वाली टैंक को भी हिजबुल्ला ने नष्ट कर दिया और तीन हेलीकॉप्टरों, 20 टैंकों और एक लड़ाकू पोत को नष्ट कर दिया।
इस युद्ध में इसराइल को हिजबुल्ला ने अपनी सैन्य क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इसराइल को पहली बार हार का स्वाद चखाया था। इसके बाद से ही इसराइल हिजबुल्ला को ईरान के बाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। सवाल है, क्या 2024 में युद्ध हुआ तो हिजबुल्ला इसराइल को सबक सिखाने की सूरत में है? इस सवाल का जवाब आपको दोनों देशों की ताकत की तुलना से साफ हो जाएगा। लेबनान के पास एक्टिव सैन्य संख्या है मात्र 80,000, इसराइल के पास है 1,73,000 यानी 2 गुने से ज्यादा। इसराइल के पास रिजर्व फोर्स 4.65 लाख है जबकि लेबनान के पास है ही नहीं। इसराइल के पास 80,000 जवानों की पैरामिलिट्री फोर्स है जबकि लेबनान के पास सिर्फ 25,000 जवानों वाली पैरामिलिट्री फोर्स है। इसराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट हैं जबकि लेबनान के पास सिर्फ 78। इसराइल के पास 241 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जबकि लेबनान के पास एक भी नहीं। इसराइल के पास 32 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट हैं वहीं लेबनान के पास सिर्फ 9 हैं। इसराइल के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 86 हैं जबकि लेबनान के पास एक भी नहीं। इसराइल के पास 126 हेलीकॉप्टर्स हैं, लेबनान के पास सिर्फ 60। इसराइल के पास 2,200 टैंक्स हैं, लेबनान के पास सिर्फ 361। इसराइल के पास 300 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, लेबनान के पास सिर्फ 30। नौसेना में जहाजों और युद्ध पोतों के मामले में लेबनान इसराइल से आगे है। इसराइल के पास 67 जहाज हैं जबकि लेबनान के पास इससे 19 ज्यादा यानी 86 जंगी जहाजों का बेड़ा है। इसराइल के पास 56,290 आर्म्ड व्हीकल हैं, लेबनान के पास 9,864 बख्तरबंद वाहन हैं। इसराइल के पास 48 एयरपोर्ट्स हैं जबकि लेबनान के पास सिर्फ 8 ही हैं। इसराइल के पास 5 बंदरगाह हैं जबकि लेबनान के पास सिर्फ 2। इतनी लंबी चौड़ी संख्या बताने के पीछे का मकसद है कि एकदम क्लियर तौर पर समझा जा सके कि कौन किस पर भारी है। लेकिन 2006 के जंग के दौरान भी इसराइल ताकत के प्रदर्शन में लेबनान पर भारी था जब नतीजा इसराइल के पक्ष में नहीं निकला। इस वक्त हिजबुल्ला मध्य पूर्व की सबसे मजबूत और प्रशिक्षित सेनाओं में से एक है और इसराइल चारों ओर से शत्रुओं से घिरा देश है। नेतन्याहू के दिमाग में यह भी साफ है कि 2006 के बाद हिजबुल्ला से बदला पूरा करने का यही वक्त है, लेकिन इस बदले की चाहत में दोनों ओर से होने वाली मौतों की तादाद कितनी होगी ये बता पाना मुश्किल है। लेबनान में 17-18 सितंबर को पेजर और वॉकी टाकी में धमाके हुए थे। इनमें 37 लोगों की मौत हो गई थी और 2,300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हिजबुल्ला ने इन हमलों के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। उधर वेस्ट बैंक से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दावा किया गया कि यह वीडियो इजरायली सैनिकों का है जिसमें वो 3 शवों को एक इमारत से नीचे फेंकते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो को अमेरिकी न्यूज एजेंसी के एक पत्रकार ने शेयर किया था और बताया कि ये वीडियो वेस्ट बैंक के कबातिया शहर का है। वीडियो में कुछ सैनिक शव को पैर से धकेलते हुए उसे फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद अमेरिका ने इसराइल की सेना से भी जवाब तलब किया है, तो वहीं इसराइल की सेना IDF ने भी इसे गंभीर मामला बताते हुए जांच की बात कही है। और उधर लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। खबर है कि इसराइल ने आज नहीं बल्कि 15 साल पहले इस तरह के पेजर धमाकों की प्लानिंग की थी और इसके लिए पेजर में 50 ग्राम विस्फोटक रखकर रिमोट के जरिए धमाके का डेमो भी किया गया था। और जब हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन चेन को खत्म करने की बारी आई तो उसने अपने इसी प्लान को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया और उसके इस हमले में न सिर्फ लेबनान बल्कि पूरी दुनिया इस हमले से हैरान रह गई, क्योंकि अपने आप में यह पहला इस तरह का मामला था जिसमें वॉकी टॉकी और पेजर में धमाके हुए थे। हिजबुल्ला ने इसराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर ताबड़तोड़ रॉकेट की बरसात की है। रॉकेट अटैक के बाद गोलान हाइट्स के जंगलों में भीषण आग लग गई है। गोलान हाइट्स पर इसराइल का आर्मी बेस है, वहीं हमास चीफ यावा सिनवार ने युद्ध रोकने का नया ऑफर दिया है।
इसराइल में फटेगा सिनवार का इनसाइड बम। नेतन्याहू को खामनेई ने दिया अल्टीमेटम। राजदूत की आंख के बदले आईडीएफ चीफ को फोड़ेगा ईरान। हिजबुल्ला को पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट से तहलाने वाले इसराइल को तेहरान से क्लियर मैसेज मिला है। ईरान अपने राजदूत की आंख का बदला इसराइल के आर्मी चीफ से लेने का ऐलान कर चुका है। लेबनान में हुए इसराइल के हमले में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी को गंभीर चोट आई है, जिसके बाद से ईरान बौखलाया हुआ है और हमास चीफ को सुरंग से बाहर निकालने का प्लान बना रहा है। हमास चीफ यानी यहया सिनवार नेतन्याहू का दुश्मन नंबर वन, इसराइल का अगला शिकार। जो चाहे कहिए, मगर यही एक चेहरा है जिसने खाड़ी के बारूदी बैटल ग्राउंड में हर चाल अपने हिसाब से चली और अब तक नेतन्याहू को छका रहा है। इसराइल के जंगी जेट हमास चीफ का कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। नेतन्याहू की मिसाइलें सिनवार की सुरंग को तोड़ नहीं पाई हैं। आईडीएफ के कमांडो सिनवार की झलक भी नहीं देख पाए हैं। हमास का सुप्रीम लीडर यहया सिनवार अब युद्ध में अपनी मन मुताबिक शर्तें लगाकर नेतन्याहू को सरेंडर करवाने का प्लान बना चुका है। सिनवार ने सीज फायर की जो शर्त रखी है उसे मानने पर युद्ध में नेतन्याहू की जीत तो मुमकिन नहीं होगी, इसराइल मीडिया के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यहया सिनवार ने इसराइल के आगे शर्त रखी है कि उसे और उसके गुर्गों की जान के बदले वो सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। सिनवार ने इसराइल की जेल में बंद कई हमास कमांडरों को किसी तीसरे देश में शरण लेने की भी शर्त लगाई है। सिनवार ने नेतन्याहू को सीज फायर का ये ऑफर जान जाने के खौफ में दिया है। इसकी असली वजह आईडीएफ मेजर जनरल डैन गोल्डफस बताए जा रहे हैं, जिन्होंने हमास के टनल नेटवर्क की सभी परतें खोल डाली हैं। आईडीएफ के मेजर जनरल डैन हमास को सुरंग नेटवर्क की बर्बादी के नायक के तौर पर पहचाना जाने लगा है। जनरल डैन गोल्डफस ने खान यूनिस में सिनवार के सुरंग नेटवर्क का भी पता लगा लिया है। जनरल डैन की लीडरशिप में आईडीएफ और शिन बेट्स कमांडो सिनवार का सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आईडीएफ के सुपर फाइटर जनरल डैन ने यहया सिनवार के होश उड़ा रखे हैं। मौत के डर से सिनवार युद्ध विराम के नए नए पैंतरे आजमा रहा है। वहीं हमास चीफ के नए ऑफर के साथ ही अब इसराइल ने गाजा में जोरदार हमला शुरू कर दिया है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने हमास के टॉप कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ और शिन बेट्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन में हमास के कई लड़ाकों का सफाया कर दिया है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने हमास के टॉप कमांडर शदी जकार नेह के साथ 7 लड़ाकों को मार गिराया है। कबातिया में आईडीएफ ने जकार नेह पर हमले में फाइटर ड्रोन, बुलडोजर और जंगी जेट का इस्तेमाल किया है। आईडीएफ ने दावा किया है कि जकार नेह कबातिया में हमास का टॉप लीडर था। जकार नेह उत्तरी सामरिया में इसराइल पर हुए हमलों का मास्टरमाइंड था। जकार नेह के खात्मे का वीडियो रिलीज करके इसराइल ने सिनवार को दहला दिया है। वीडियो में हमास का टॉप कमांडर मौत के डर से गाड़ी से उतरकर भागने लगा था, मगर आसमान में मौजूद इसराइल के अचूक हथियार ने बारी बारी से बम बरसाकर सभी हमास लड़ाकों को जमींदोज कर दिया। कबातिया में हमास फाइटर को मौत के घाट उतारने के बाद आईडीएफ के जवानों पर उनके शवों को छत से फेंकने के आरोप भी लगे हैं। तस्वीरें भी सामने आई है और इन तस्वीरों के साथ हमास ने दावा किया है कि हमास लड़ाकों के शवों के साथ बदसलूकी की जा रही है। उधर वेस्ट बैंक में आईडीएफ के ऑपरेशन के बाद निकले जनाजे में हजारों का हुजूम उमड़ा। 20 साल के इब्राहिम जाकिक के जनाजे में उमड़ी भीड़ ने इसराइल के खिलाफ गुस्से का इजहार किया है। वहीं ईरान से आए नए ऑर्डर के बाद हमास, हुथी और हिजबुल्ला ग्रुप ने इसराइल पर ज्वाइंट अटैक का प्लान तैयार किया है। इस हमले की प्लानिंग बीते 15 सितंबर को मिली एक कामयाबी के हिसाब से बनाई जा रही है। 15 सितंबर 2024 को इसराइल हमास और हिजबुल्ला पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था।
इसराइल के जंगी जेट जब लेबनान में हिजबुल्ला के अड्डे बर्बाद कर रहे थे, जब रॉकेट की बौछार से नसरल्ला ब्रिगेड के चीथड़े उड़ा रहे थे, तब इसराइल पर ऐसी मिसाइल दागी गई जिसका टारगेट तेल अवीव था। मिसाइल टारगेट के बेहद करीब तक पहुंच गई थी। इसराइल के सारे डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर मिसाइल नेतन्याहू आर्मी को दहलाने वाली थी, मगर धमाके से पहले इसराइल ने मिसाइल को मार गिराया। द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये पहली बार है जब इजरायली सुरक्षा कवच को दुश्मन के मिसाइल ने पूरी तरह से चकमा दे दिया। मिसाइल अटैक यमन से हुआ। हुती विद्रोहियों ने इजरायल पर जो मिसाइल हमला किया, अगर वो फट जाती तो महाविनाश मच सकता था। ईरान समर्थित यमन के हुती विद्रोहियों ने इसराइल पर गदीर मिसाइल से हमला किया है। हुती विद्रोहियों की गदीर मिसाइल ईरान की शहाब 3 मिसाइल का अपग्रेड वर्जन है। बैलिस्टिक गदीर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। उत्तरी यमन से गदीर मिसाइल को इसराइल पर हमले में सिर्फ 12 से 15 मिनट लगे हैं।